जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज 9th क्लास और सबक नंबर 2 मिर्ज़ा गालिब के अदात व खसाइल के साथ जो है मैं मोहम्मद अमीन हाजिर हूँ और मेरे साथ मेरे स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं। तो हमने इसका जो है वो एक हिस्सा पढ़ लिया था और आज हम जो है वो अगले पेज के ऊपर जो है वो चलेंगे और यकीनन इसमें से आप लोगों ने मुश्किल अल्फाज के जो मायने थे वो और साथ में कसीरुल इंतहाबी सवालात की भी जो है वो साथ साथ तैयारी कर रहे होंगे। तो जनाब अगला सिलसिला जो है वो कुछ यूं है कि यहाँ से हम शुरू कर लेते हैं कि ज़राफ़त मिजाज में इस कदर थी कि अगर आपको बजाय हिवाने नातिक, हवाने नातिक कहते हैं बोलने वाला जानवर, के हवाने जरीफ कहा जाए तो बजा है, यानी हवाने जरीफ मजाक करने वाला, यानी कि जब भी बोलता मजाक करता, कोई भी बात जो है वो बोलता तो उसमें मजाक की कैफियत जो है वो लाजमी, दूसरा जो है वो लाजमी होता। एक दफा जब रमजान गुजर चुका, रमजान का महीना जैसे इन दिनों की बात है तकरीबन, तो गुजर चुका तो कले में गए जो बादशाहों का, ये मैंने पहले सबक में भी अर्ज किया था कि काफ के ऊपर जबर पड़ा जाए, ठीक है, कला, तो यहाँ पर जबर पड़ा जाए। तो बादशाह ने पूछा, बादशाह जफर ने, कि मिर्जा तुमने कितने रोजे रखे? अर्ज किया, पीरो मुर्शद एक नहीं रखा, यानी के एक नहीं रखा, समझ तो आप गए होंगे कि एक भी नहीं रखा था, ठीक है। तो असल में उनके जू मायनी जुमला, और इसी तरह से मैंने एक वाक्या कोट किया कि कहते हैं कि जुबानों अदब सीखने के लिए उस वक्त फारसी जुबान, उर्दू जुबान, और आगरा से जब आप दिल्ली तशरीफ लाए तो मुख्तलिफ लोग जो है वो आपके पास शगिर्द होने के लिए आते, तो उन शगिर्दों में से एक ने पूछा कि अभी चूंकि जुबान मराहिल तय कर रही थी इर्तका के, तो मिर्जा से किसी ने पूछा कि जनाब ये तो बताएं कि जूता मुजफ्फर है कि मौलस? तो मिर्जा ने बड़े अपने ही अंदाज में जैसे इधर जवाब दिया, मिर्जा ने कहा कि जनाब जोर से लगे तो जूता, आहिस्ता लगे तो जूती। तो यानी के मुजफ्फर और मौलस खुद ब खुद वाजे हो जाते हैं। तो जनाब एक दिन नवाब मुस्तफा खान के मकान पर मिलने को आए, उनके मकान के आगे छाता, जो छत्ता है यानी के बरामदा जो था वो तारीख था, उसमें अंधेरा था। जब छत्ते से गुजरकर दीवान खाने के दरवाजे पर पहुंचे तो वहां नवाब साहिब उनके लेने को खड़े थे, यानी कि उनका इस्तकबाल करने के लिए खड़े थे। अब सीन क्या बना जनाब के घर के अंदर दाखिल हुए हैं तो वहां पे अंधेरा, और जैसे ही बरामदे में से गुजर चुके तो आगे जो है वो उनको नवाब साहिब जो है वो लेने को खड़े थे, वेलकम कर रहे थे। तो नवाब साहिब उनको लेने को जब खड़े हुए तो मिर्जा ने उनको देखकर ये मिसरा पढ़ दिया, फारसी का है, कहते हैं कि ये निशानी बेटा याद रखिएगा, ये जो है ये अलामते मिसरा है, ठीक है। तो कहते हैं कि आबे चश्मा हेवा दरवीने तारी कर, के आबे चश्मा हेवा दरवीने तारी कर, के जनाब चश्मे आबे हयात का जो चश्मा है वो यहाँ दूर अंधेरे में पड़ा हुआ है, यानी कि दोस्त को कह रहे हैं। तो जब दीवान खाने में पहुंचे तो उनके दीवान में बसबब की वजह से, बसबब की वजह से मशरिक रोया, मशरिक की जानिब, रोया की तरफ या जानिब होने के धूप भरी हुई थी। मिर्जा ने वहां ये मिसरा पढ़ दिया कि ई खाना हिमा आफ्ताब, ये खाना घर, हिमा मुकम्मल, आफ्ताब सूरज, अस है, तो ये तो घर जनाब पूरे का पूरा सूरज है। तो आपने देखा कि शुरू में जो है उन्होंने कहा कि यहाँ पर तो बहुत अंधेरा है और मेरा दोस्त जो है वो अंधेरे में, अबे हयात जो है अंधेरे में गुम है। तो जब वही कमरा जो है वो मशरिक रो के अंदर जो है वो सूरज की सारी जो है वो रोशनी मौजूद थी, तो वहां पर जो है वो ये मिसरा पड़ा। तो जनाब एक सोहबत में मिर्जा, सोहबत एक महफिल के अंदर मिर्जा
मीर तक मीर की तारीफ कर रहे थे, शेख इब्राहिम ज़ोक भी मौजूद थे। तो ये बेटा जी अंडरलाइन करने वाली बात है, तो शेख इब्राहिम ज़ोक भी वहां पे मौजूद थे। और एक सोहबत में मिर्जा किसकी तारीफ कर रहे थे, मीर तकी मीर की, और मीर तकी मीर की तारीफ कौन कर रहे थे, मिर्जा असदुल्ला खान गालिब। ठीक है, तो ये याद करने वाली चीज है। तो उन्होंने सौदा को मीर पर तरजीह दी, किसने सौदा को मीर पर तरजीह दी, ठीक है, हाँ जी मिर्जा ने। तो मिर्जा ने कहा कि नहीं बेटा, यहाँ पर जो है वो, ये दोबारा मैं पढ़ देता हूँ, शेख इब्राहिम ज़ोक भी थे, अब उन्होंने सौदा को मीर पर तरजीह दी, यानी कि इब्राहिम ज़ोक ने सौदा को मीर पर तरजीह दी, कि सौदा मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा जो है वो ज्यादा बेहतर शायर है। तो जनाब मिर्जा ने उनकी बात का जवाब फिर यूं दिया कि मैं तो तुमको मीरी समझता था, मीर से मीरी, और तुम तो निकले सौदाई, के तुम तो अभी सौदागर निकले, सौदाई निकले। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो मिर्जा ने उनको लाजवाब कर दिया। तो ज़िशान अहमद है, कह रहे हैं कि आवाज बहुत कम आ रही है, तो मैं कोशिश करता हूँ जनाब। हाँ जी बावजूद ये के मिर्जा की आमदनी जो है वो, और मकदूर जो उनकी जो जायदाद वगैरह थी वो बहुत जो है वो कम था, मगर खुददारी और हिफ्ज़े वज़ा, जो अपनी वज़ा की हिफाजत करना और खुददारी, यानी कि किसी के सामने हाथ ना फैलाना, वो कभी हाथ ना जाने देते थे। शहर के उमराओ अमायद, शहर के जो बड़े बड़े अमीर और मोजज लोग थे, वो उनकी बराबर की मुलाकात को आते थे। ठीक है, तो ये इक्तबास जो है वो आज आपका होमवर्क भी होगा। ठीक है, कहाँ तक होगा मैं बता देता हूँ, यानी कि यहाँ पर मैं निशान लगा देता हूँ आपको, ये वाला इक्तबास जो है वो होमवर्क भी करना है। तो कभी बाजार में बगैर पालकी या हवादार, ठीक है जी, पालकी या हवादार यूं समझ लें आज की जनाब बेहतरीन किस्म की जो है वो गाड़ियां, जिसमें एसी भी लगाओ, यानी कि ये वो दौर था कि जब हवादार जो है वो साथ होते थे, जो पंखे की जो है वो हवा दिया करते थे साथ साथ। ठीक है, तो अमायदीन शहर में से जो लोग उनके मकान पर आते, वो भी उनके मकान पर जरूर जाते, यानी कि उनका मिलना जुलना जो है बड़े लोगों से था। एक रोज किसी से मिलकर नवाब मुस्तफा खान मरहूम के मकान पर आए, मैं भी उस वक्त वहां मौजूद था, मैं भी से मुराद जो है वो, हाँ जी, मुसन्निफ है मौलाना अल्ताफ हुसैन खाली। तो नवाब साहिब ने कहा कि आप मकान से सीधे यहीं आए हैं या कहीं और जाना हुआ था? तो मिर्जा साहिब ने कहा कि मुझे फलां साहिब का एक आना, यानी कि आज के दौर के अगर देखें तो कोई भी वैल्यू नहीं है उसकी, मतलब 10 पैसे जो है वो देने थे। तो अव्वल वहां गया था और वहां से यहाँ आया हूँ। तो एक दिन दीवान फजलुल्लाह मरहूम चुरट बेटा जी, ये भी सवारी का नाम है, उस दौर में जो है वो इंसान जो है वो इंसानों के लिए जो है सवारी का बंदोबस्त करते थे, एक तरह से कह लें कि गाड़ी। तो सवार मिर्जा साहिब के मकान के पास से बगैर मिले निकल गए, यानी कि उनके पास मिर्जा गालिब से मुलाकात ना उन्होंने की। तो मिर्जा को मालूम हुआ तो उन्होंने, अच्छा जी यहाँ पे बताता जाऊं बेटा कि ये ऊपर वाला जो इक्तबास था उसकी आपने जो तशरीह करनी है वो यहाँ तक जो है वो निशान। ठीक है, तो यहाँ से हम शुरू करेंगे कि एक दिन उन्होंने क्या किया फिर कि जब वो मुलाकात ना की, तो मिर्जा गालिब ने एक रुका जो है वो दीवान जी को लिखा, मजमून ये कि आज मुझको इस कदर नदामत हुई, नदामत शर्मिंदगी,
शर्म के मारे जमीन में गड़ा जाता हूँ। इससे ज्यादा और क्या नालायकी हो सकती है कि आप कभी ना कभी तो उस तरफ से गुजरे और मैं सलाम को हाजिर ना हूं। जब ये दीवान जी के पास पहुंचा तो वो नहायत शर्मिंदा हुए और उसी वक्त गाड़ी में सवार होकर मिर्जा साहिब से मिलने को आए। तो जनाब आगे जो है वो जरा आप लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे इक्तबास के अंदर, सारे वो भी इक्तबास बड़े अहम है। मैं पढ़ देता हूँ फिर मैं बीच में सवाल जवाब करूंगा, तो अपने आपने माइक ऑन कर सकते हैं, ठीक है। फवाका, फवाका कहते हैं फल, तो फलों में आम उनको मरगूब था, आमों की फसल में, आमों के मौसम में, ठीक है, फसल मौसम में उनके दोस्त दूर दूर से उनके लिए उमदा उमदा आम बेचते थे, तो और वो खुद अपने बाज दोस्तों से तकाजा करके आम मंगवाते थे, तकाजा फरमाइश करके कहकर जो है वो मंगवाते कि जनाब आपने इलाके का आम तो भेजो। तो एक अच्छा जी ये बताइएगा जनाब, आजकल आमों का मौसम है और आप में से कौन कौन बड़े शौक से जो है वो आम जो है वो खाता है, जैसे आज बारिश हो गई है तो आज का तो मौसम ही दुबाला। जी जनाब हाफिज अब्दुल रफी, माइक पे आकर बताएं जनाब, और कोई किसी एक आम की किस्म भी बताएं जरा मुझे माइक पे, और लास्ट टाइम आपने कब आम खाए हैं और किस फॉर्म में, मिल्क शेक में खाए हैं या वैसे? जी जनाब बोलते जाएं। अबू बकर पहले। सर मैंने कल खाया लंगरा आम। हाँ हाँ जनाब जी, अली कमर चौथा जी, और जनाब हाशिम माइक पे बताएंगे क्या जी, और अब हाफिज अब्दुल राफे जी माइक पे बताएं, माइक पे। अच्छा जनाब हाशिम जवेद का भी मैसेज आया चौंसा उर्दू में, गुड। आपको पता है फलों का बादशाह है और इसकी सबसे ज्यादा इकसाम है, 100+ जो है, ठीक है। तो और कोई भाई इस वक्त सुन रहे हो हमें तो नहीं रहे? मुज्तबा, तलहा शहजाद, जिशान अहमद जी जनाब आप नहीं बोले। सर जी परसों खाया था और चौंसा खाया था। और आज क्या इरादा है? आज का पता नहीं, कहते हैं सर मिल जाएगा तो खा लेंगे मिर्जा गाली वाला हिसाब। तो जनाब आम जहाँ से मिले उनका भी यही असूल था कि बहुत हो मगर मीठा हो, ठीक है। तो अगर जनाब आप में कोई ऐसा बच्चा जो आम ना खाता, आपको याद है ना क्लास में एक कहानी सुनाई थी मैंने, कोई ऐसा हाँ जी, तो वो मिर्जा गालिब का वाकया जरा ताजा कर देते हैं जनाब। गली में बैठे और उन दिनों में अभी किसी सजा से जो है वो जेल से वापिस ही आए थे, और गली में बैठे आप कुछ साहिबों के साथ जिसमें जो है वो मौलाना हाली भी वहीं पे ही बैठे हुए थे, तो कहते हैं आम जो है वो खा रहे थे, और क्योंकि गली का हदूद दरबा इतना तो नहीं होता, छोटी छोटी दिल्ली की और लाहौर की गलियां एक जैसी हैं, तो बैठे हुए जो है वो आम खा रहे हैं, तो उनमें से किसी कोई साहिब मिलने के लिए आए थे, मिर्जा ने उनको भी दावत दी, उन्होंने कहा नहीं जनाब मैं आम नहीं खाता। तो मिर्जा साहिब कहते हैं अच्छा, खैर उन्होंने जो है वो फौरन ही जो है वो दूसरा आम पकड़ा और सब लोग जो है शौक से खा रहे थे। इसी दौरान में गली में जो है वो एक गधा जो है वो आया और उसके ऊपर गधे वाले ने जो है वो कोई बोरी शोरी कुछ चीजें जो है वो लदी हुई थी, तो आगे से जब रास्ता बंद था तो एक साहिब ने उनको कहा कि जनाब आपको नजर नहीं आ रहा, आप किसी दूसरी गली से चले जाइए। इसी दौरान में मिर्जा ने जो है वो आम की गुठली या छिलका जो है वो उस तरफ फेंका और गधे ने उसको मुंह लगाया और मुंह पीछे कर लिया। अब वो साहिब जो है वो जब पहले बैठे हुए तो उन्होंने कहा जनाब देखा गधा भी आम नहीं खाता। तो मिर्जा गालिब ने एक और आम पकड़ते हुए कहा कि गधा जो ठहरा जो आम ना खाए, ठीक है। तो जनाब मुझे उम्मीद है कि आप सब जो है वो आम जो है बड़े मजे से खाते होंगे, तो आगे सिलसिला चलाते हैं। तो आज पुरजोर फरमाइश भी कीजिएगा जनाब आम के मुख्तलिफ
जो है वो फॉर्म्स के अंदर आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आम समोसे बनाएं, मिल्क शेक बनाए, उसको आइसक्रीम बनाएं और बस खाएं, अल्लाह ताला की नेमत है, ठीक है, फुल ऑफ कैल्शियम, फुल ऑफ प्रोटीन। तो एक रोज मरहूम बादशाह बहादुर शाह आमों के मौसम में चंद मुसाहिबों के साथ, जिनमें मिर्जा भी थे, बागे हयात बख्श अंडरलाइन, या मुसनिफ कहते हैं मुझे कंफर्म नहीं है, बाग हयात बख्श या मेहताब बाग में टहल रहे थे। आम के पेड़ रंग बरंग के आमों में लद रहे थे। यहाँ का आम बादशाह या सलातीन, ठीक है, सुल्तान की जमा, या बेगमात, बेगम की जमा। तो ये वाहिद जमा से मुझे याद आया बेटा कि कल आज आपका होमवर्क ये भी होगा कि आपने, जरा थोड़ा सा दोहाई करवा रहा हूँ, कि पेज नंबर 114 और 115, ठीक है जी, स्टार नोट्स का पेज नंबर 114 और 115 आपने उसको बेटा जी तैयार करना है, और आज, ठीक है, कल मुझे आपने उसका टेस्ट देना है ऑनलाइन, ठीक हो गया, बड़ा आसान सा टेस्ट होगा, वाहिद जमा उसके ऊपर होगा, ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है, डायरी पे नोट कीजिएगा और ग्रुप में भी भेज दीजिएगा। के सिवा किसी को मयसर नहीं आ सकता था। मिर्जा बार बार आमों की तरफ देखते थे। बादशाह ने पूछा कि मिर्जा इस कदर गौर से क्या देखते हो? मिर्जा ने हाथ बांध कर अर्ज किया कि इसको देखता हूँ कि किसी दाने पर मेरा और मेरे बाप दादा का नाम भी लिखा है या नहीं। तो जनाब बादशाह मुस्कुराए, समझ गए कि मिर्जा आम मांगना चाह रहे हैं। बादशाह मुस्कुराए और उसी रोज एक बहंगी, एक टोकरी जो है वो उमदा उमदा बेहतरीन आमों की जो है वो मिर्जा को भिजवाई, ठीक है। तो जनाब अगला इक्तबास और आखिरी इक्तबास और उसके बाद जो है सवाल जवाब, कि मिर्जा की नियत आमों से किसी तरह सेर ना होती थी, भरती ना होती, तो अहले शहर तोहफा तन भेजते थे, खुद बाजार से मंगवाते थे, बाहर से दूर दूर का आम बतौरे सौगात के आता था, मगर हजरत का जी नहीं भरता था। तो नवाब मुस्तफा खान मरहूम नाकिल है, यानी कि नकल करते हैं, ये वाकया कोड करते हैं, एक सोहबत में मौलाना फजल हक और दीगर अहबाब मौजूद थे। तो जनाब ये वही सोहबत थी जिसके बारे में मैंने आपको वाकया सुनाया, गदे वाला। तो आम की नस्बत एक हर एक शख्स अपनी अपनी राय बयान कर रहा था कि इसमें क्या क्या खूबियां होनी चाहिए। जब सब लोग अपनी अपनी राय कह चुके तो मौलाना फजल हक ने मिर्जा से कहा कि तुम भी अपनी राय बयान करो। तो मिर्जा ने कहा कि भाई मेरे नजदीक तो आम में सिर्फ दो बातें होनी चाहिए, मीठा हो और बहुत हो, सब हाजरीन हंस पड़े। तो जनाब मेरे नजदीक भी जो है वो यही दो बातें हैं कि मीठा हो और बहुत हो, ठीक है। तो किताब का उन्वान था, नाम था जी यादगार गालिब, जहां से ये जो है वो सबक हम पढ़ रहे थे।